हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB TGT संस्कृत के पेपर के बारे में कि किस तरीके का पेपर रहा, सेकंड पेपर जो रहा सब्जेक्ट का उसमें क्या क्या पूछा गया, और एक वो जो पेडागोजी से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है बच्चों को 10 नंबर 20 नंबर वो भी आपको जो है क्लियर कर दूंगी मैं आज की, किस तरीके के क्वेश्चन थे जो 20 नंबर में मैंने बोला था कि पूछे गए थे, ठीक है, वो भी मैं आपको आज बता दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वन की। पेपर वन में हमें पता है 5 जो है पार्ट आते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। कोई चेंज नहीं था रीजनिंग में, जिस तरीके का पहले देखने को मिल रहा है एज इट इज वैसा ही पेपर आया है। और जिन बच्चों को ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, तो वो मैंने आपको अलग से करवाए हुए हैं TGT अगस्त 2021 में जो पेपर हुए हैं, अभी अगस्त 2021 में वही पैटर्न जो है रीजनिंग में फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों का ये था कि पिछली बार जो पेपर हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे, तो उनको कैसे हम जो है देख सकते हैं, तो मैंने बात की है TGT अगस्त 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनको देखिए, बिल्कुल एज इट इज पैटर्न है रीजनिंग का। रीजनिंग या मैथ जो भी फर्स्ट पेपर है बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ मैं कि रीजनिंग में पूछा क्या जा रहा है। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वही सारी चीजें अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई। ठीक है, इसमें दोनों तरीके की आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग करके भी, और रोंग सीरीज रोंग बताना होता है वो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा डाइस से रिलेटेड भी आ रहा है, उसमें आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डाइस को फोल्ड करके या फिर अपोजिट वाली चीज पूछ सकता है। अलग अलग शिफ्ट में ये अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो दोनों तरीके से आप इसको पढ़ के जाए डाइस को। इसके अलावा इमेज कटिंग का क्वेश्चन आपको देखने को हर एक शिफ्ट में, ये इमेज कटिंग का क्वेश्चन भी आ रहा है कि इमेज को इस तरीके से कट अगर किया जाए तो वापिस जब उसे हम ओपन करेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगी, उस तरीके के क्वेश्चन भी जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग भी, कोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गई, फिर सिटिंग अरेंजमेंट है, मिरर इमेज हो गई। मिरर इमेज ही ज्यादातर में पूछी जाएगी, वॉटर इमेज कम ही पूछते हैं, या मिरर इमेज जो है ये हर एक में देखने को मिलेगी आपको, तो वही है सारे टॉपिक। तो जिसने देखना है कि कैसे क्वेश्चन होंगे, तो वो जो प्रीवियस हो चुके हैं जिसमें मैंने पूरी रीजनिंग करवाई है अगस्त महीने में जो पूछे गए क्वेश्चन, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये आपको कहां मिलेगा ये मैं बता देती हूँ, DSSB क्रैश कोर्स हमने करवा रखा है, उसके हर एक पार्ट में, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा आपको, मैथ की जो प्लेलिस्ट होगी वो मैथ में मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस का जनरल अवेयरनेस में मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें जो है आपको उसमें मिल जाएंगी, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ मैथ की। तो मैथ में भी बिल्कुल वही एज इट इज पैटर्न था, कोई चेंज नहीं। टाइम एंड वर्क से जो थे 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, CP प्रॉफिट लॉस, यहां से 3 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। परसेंटेज पूछा गया, पाई चार्ट आया था, मतलब DI में पाई चार्ट पूछा गया था, और बार डायग्राम, ये दो जो थे DI में पूछे गए थे। DI में से वैसे 3 क्वेश्चन आते हैं, एक और होगा, या पाई चार्ट या बार डायग्राम में से कोई किसी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो DI में से ये 3 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये तो मेन हो गए, यहां से जैसे 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, 4, 3, 7, यहां से भी एक एक क्वेश्चन होगा, 8 हो गए, 3, 11 हो गए, और बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे इनमें से कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। सिंपल रेशियो का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा एक, तो वो क्वेश्चन जो है आप इजिली कर सकते हैं, मतलब जो बच गए हैं क्वेश्चन वो बहुत ईजी होंगे। ठीक है, यहां से एक CISI रह गया, यहां से भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक, तो बस ये चीजें जो थी मैथ में पूछी गई है, तो ये टॉपिक, इन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। मैंने आपको पूरा DSSB कोर्स में पूरा मैथ करवा रखा है, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। चलिए, ये हो गया मैथ का। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वही मिस स्पेल्ड पूछा गया, मिस स्पेल्ड वर्ड 2 मार्क्स के लिए। एरर फाइंडिंग आया, ये भी 2 मार्क्स के लिए। इडियम फ्रेज अगेन 2 मार्क्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, फिलप्स और पैसेज, और इसके अलावा सेंटेंस रीओर्डरिंग, वही जो उसमें पहले पूछे गए हैं एज इट इज वैसा ही जो है देखने को मिला है, कुछ चेंज नहीं है। ओके, एक और चीज याद रखिए, मैथ जो है संस्कृत के बच्चे थे, तो इन्हें इनका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो ज्यादातर सभी का नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मोस्टली बच्चों का क्या होता है, वीक होता है, तो ऑब्वियस है उन्हें जो था मैथ डिफिकल्ट लगना ही था, टाइम कंज्यूमिंग इन्हें जरूर लगा है। ठीक है,
कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मतलब लगभग सारा टाइम जो था वो फर्स्ट पेपर में चला गया और दूसरे के लिए उनके पास कम टाइम बचा है, तो ये चीज भी इसमें याद रखिएगा। तो जिसको जो नहीं आता है उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा आपका सब्जेक्ट रह जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है कि आपको फर्स्ट पेपर में आप इतना मान के चलिए कि आपको 40 मार्क्स जो है लेके आने ही आने हैं, बट उस पर ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्योंकि आप संस्कृत के बच्चों का क्या होता है कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उन सभी स्टूडेंट्स का लगभग अपना जो मेन सब्जेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए अपना टाइम आप बचा कर रखिएगा और फर्स्ट पेपर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। एक घंटे में या ज्यादा से ज्यादा 70 मिनट जो है उसको दीजिएगा, फिर बाकी अपना सब्जेक्ट में फोकस कीजिएगा। ठीक, चलिए मैथ हो गया, अब इंग्लिश हो गया। हिंदी में वही इजी था, संधि पूछी गई, पैसेज आया, वृत्ति और पक्ष वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनमें क्या होता है सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया जाएगा और उसमें बताना था कि किस कौन सा पक्ष है कौन सी वृत्ति है, यही चीज इसमें पूछी जाएगी। योजक चिन्ह वगैरह वही चीजें पूछी जा रही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, चलिए जीएस की अगर मैं बात करूं, जीएस ने जो बताया है वो ये बताया कि बहुत घुमा घुमा कर जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में। ठीक है, वही चीज है, अगर आपको आती होगी तो आपको इजी लगेगी, अगर जीएस आपको नहीं आती होगी तो ऑब्वियस है वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगी, चाहे फिर वो कितनी भी इजी हो। तो ये चीज थी बहुत मतलब घुमा के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन आए थे। ओके, इसके अलावा एक आईएएएफ से किसी एथलेटिक का पूछा गया था, मतलब एथलेटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। दूती चंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि दूती चंद को बाहर क्यों निकाला गया, इससे समथिंग क्वेश्चन था। अनुच्छेद जो था ये पूछा गया था राष्ट्रपति शासन से संबंधित, राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद आप रट के जाइएगा याद करके, क्योंकि एक अनुच्छेद आपको जरूर मिलेगा। एक नॉर्थ ईस्ट से कोई संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है लेकिन रिलेटेड उससे कुछ था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ठीक, तो ये होगी जीएस की बात। अब बात आती है सेकेंड सब्जेक्ट की, मेन जो सब्जेक्ट है संस्कृत की, उसकी बात करते हैं। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं संस्कृत जो थी वो इजी थी, इजी ही उन्होंने कहा है जिसका भी पेपर था। ठीक, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन था वो ज्यादा था, ग्रामर पोर्शन क्या था ज्यादा था। एक और चीज याद रखिए, अब बात करती हूं मैं टीचिंग पेडागोजी की। जैसा कि मैंने आपको कहा था 6 सेक्शन जो है इसमें पूछे जा रहे हैं, 20-20 के 4 हो गए, ठीक है, और 10-10 के 2 हो गए। ये जो फर्स्ट 10 वाली जो आपको देखने को मिलेंगे 80 से 90, यानी कि 81 से 90 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे संस्कृत से रिलेटेड जो पेडागोजी होगी उससे संबंधित, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजी आएगी वो। और जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन होंगे 91 से 100 ये होंगे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, अधिगम हो गया, विकास होगी, वृद्धि होगी, या सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, 81 से 89 आपको संस्कृत से रिलेटेड मिलेंगे कि अगर आप संस्कृत के टीचर हैं तो किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, या और भी जो चीजें होंगी उससे रिलेटेड पेडागोजी में वो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज अगर जनरल की बात करेंगे तो वो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें मिला के जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो 10 क्वेश्चन ये है। ठीक, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। बाकी ग्रामर पोर्शन इसमें ज्यादा था और वैसे इजी था, सब्जेक्ट रिलेटेड इजी बोला गया है। बाकी बहुत सारे बच्चों को देखिए मुश्किल भी लगा होगा लेकिन कुछ को इजी भी लगा होगा, तो मैं उसी के बेस पे बता रही हूँ जो हमें बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कि उन्हें जो था ग्रामर पोर्शन जो संस्कृत थी वो इजी लगी और उसमें ग्रामर पोर्शन जो था ज्यादा था और टीचिंग पेडागोजी 10-10 मार्क्स की जो है आ रही है। तो इसमें आगे जिसका एग्जाम है जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश पेडागोजी जो होगी उससे 10 रिलेटेड देखने को मिलेंगे और 10 जो होंगे वो जनरल की बात की जा रही है। ठीक है, साइकोलॉजी जो भी बचती है उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट रिव्यू, थैंक यू सो मच।